आपका स्वागत है हमारे इस शो चितकारा टॉक्स में। मैं हूं आपका होस्ट ध्रुव और आज हमारे साथ बड़े ही दिलचस्प गेस्ट जुड़े हैं। हमारे साथ हैं सरोज शर्मा, स्वादिष्ट व्यंजन प्रशिक्षण केंद्र की मालिक और वुमेन एंटरप्रेन्योर। इनको काफी सारे अवार्ड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप और वुमेन एम्पावरमेंट में मिले हैं। ये काफी ज्यादा सोशल सर्विस, समाज सेवा और एनजीओ से भी जुड़ी हुई है। सरोज जी, आप हमें थोड़ा अपने बारे में बताएंगी? जी, जो मैंने ट्रेनिंग सेंटर खोला बचपन से ना, मुझे बहुत शौक था भी मैं कुछ बनाऊं, कुछ गरीब बच्चों को कोई ऐसा काम करूं गरीब बच्चों के लिए जो आगे भी वो अपना काम कर पाए। लेकिन धीरे धीरे शौक होता था मुझे, मैं कुछ अच्छा सा खाना बनाऊं, लोग मेरी मतलब लोगों को भी अच्छा लगे। लेकिन उसके बाद जैसा जैसा मैं सोचती रही वैसा वैसा ही काम होता रहा और 91 में मैंने जी अपना सेंटर खोल लिया था आफ्टर मैरिज के बाद। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे, फिर हौसला बढ़ता गया बढ़ता गया, जो जो मन में आता गया मेरे। और सोचती थी कोई ऑफिस हो मेरा, ये भी हो, भगवान की ऐसी कृपा हुई और आज तक बहुत लोगों ने काम सीखा है। जो मेरे बच्चे स्टूडेंट हैं वो देश देश में भी जाके सेट हो चुके हैं। जी, आप हमें अपने शुरुआत के दिन के कुछ किस्से बताएंगे इसी स्वादिष्ट व्यंजन प्रशिक्षण केंद्र के? हाँ जी, मैं तकरीबन अपना डिस्ट्रिक्ट बठिंडा रामपुरा फूल की रहने वाली हूँ। जो मेरी शादी हुई हरियाणा में करनाल में हुई, और पंजाब के जो खाने होते थे उस टाइम अच्छे लगते थे सब कोई, अभी भी अच्छे लगते हैं पंजाब के। और उसके साथ साथ जब मेरी शादी हुई मन में यही आता रहा भी मैं काम खोलूँ, कैसा होएगा क्या, दिमाग की सारी टेंशन बनी रहती थी। फिर मैंने अपना दिल ऐसे रखा भी चलो छोड़ो आगे आए हम लोग, पर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत साथ दिया, मेरे बच्चों ने बहुत साथ दिया। कहीं भी कोई लेक्चर होता था ना, पहले मैं ऐसे डरती थी भी है मैं लेक्चर कैसे दूँ, कौन सा मैंने किसी स्कूल में पढ़ाया। और मेरे हस्बैंड कहते थे और कोई बात नहीं परवाह ना कर लेक्चर दे। और जब मैं लेक्चर देने गई मेरे को एक लेक्चर मिला MSME, मेरा हौसला बढ़ता गया बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा खुश है। उसके बाद तो फिर मेरे को बुलाते रहे कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में कहीं कहीं स्कूल में, तो लेक्चर देने के लिए एक घंटा दो घंटे के हिसाब से बुलाते थे। और काम करा के DAV कॉलेज में जैसे मैंने काम कराया, अभी भी बुलाते हैं, अभी जमुनानगर वगैरह सोनीपत वगैरह जाती हूँ मैं, तो अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिलता मुझे। तो मेरे बच्चों ने मुझे बहुत साथ दिया, और जो उन्होंने उस टाइम साथ दिया उनके भी मन में एक शौक सा हो गया था भी हम भी कोई ऐसा काम करें मम्मा के साथ, पर वो आज मेरे बच्चे भी तीनों आगे बढ़ चुके हैं। सरोज जी, आजकल की महिला को भी सपोर्ट नहीं करा जाता अपना स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और आपको उस ज़माने में सपोर्ट दे दी, आपका इस बारे में क्या विचार है? हाँ, उस ज़माने में सपोर्ट मुझे बहुत मिली, घर वालों के भी मिली, पेरेंट्स की भी मिली। और खाना बना के ज़्यादा तकरीबन मैं खुश होती थी भी मैं खाना बनाऊँ और सबको खिलाऊं, शुरू से ही शौक था। और फिर वहाँ शौक मेरा पूरा हुआ तो मैं इधर आई शादी करा के, इधर से मेरे को पूरी सपोर्ट मिली। तो और उस सपोर्ट के साथ साथ मैं आगे बढ़ती गई, फिर मेरा TV में प्रोग्राम आता ही रहे, दूरदर्शन पे, और 3 स्टेट अवार्ड विनर और अवार्ड मिलते रहे, सम्मानित किया गया मुझे, ऐसे ही मेरे हौसले बढ़ते गए, बुलंद होते गए। इसीलिए मतलब सोच सोच के मैंने अपना सेंटर खोल लिया। एक ट्रेनिंग थी हमारी MSME, और जब मैं ट्रेनिंग की मन में जब लास्ट डे था मन में ये ख्याल आया मेरे भी मैं काम क्यों ना खोल लूँ। जब मैंने ये काम खोला बोर्ड लगाया सब कुछ हुआ, मेरे पास फर्स्ट डे मेरा ख्याल आया 20-25 बच्चों का ग्रुप बन के तैयार हो गया, और मैं बड़ी खुश भी, इतने बच्चे आगे मैं इनको क्या सिखाऊंगी, क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उसी हिसाब से मैं काम करा रही हूँ। पहले जमाने में कहाँ फोन होते थे, कहाँ कुछ होता था, कुछ भी नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम में बहुत कुछ चल पड़ा है, लोग फास्ट फूड भी खा रहे हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी जो घर का खाना है वो ही बनाना चाहिए, फास्ट फूड के लिए बच्चे बीमार हो रहे हैं आजकल, क्यों बीमारियां लग रही हैं इसी वजह से। अगर घर का ही खाना आपको 5-स्टार होटल की तरह मिल रहा है, क्यों ना हम लोग खाना यहीं से सीख के आगे बढ़े। सरोज जी, हमने सुना है आपको बेस्ट शेफ इन हरियाणा भी कहा जाता है, तो आपको जब ये इस टाइटल से एड्रेस करा जाता है तो आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है भी इतना मतलब लोग तारीफ करते हैं भी, वाह वाह खाने की, अभी भी ऑर्डर आते हैं तो ले लेते हैं। अच्छा सरोज जी, हमें आप बताइए आपका मनपसंद पकवान कौन सा है? वैसे तो शुरू से मैं दही भल्ले बड़ी खुश हुई खाती थी, और रस मलाई सबसे ज्यादा अच्छी थी, और वो भी लोगों को करा रही हूँ। ऐसी जो चीजें आती हैं नई से नई रेसिपी बनानी सिखाई जाती है। सरोज जी, आप ऐसा क्या सिखाती हैं कि मतलब खाना पकवान में ऐसी खुशबू आती है कि मतलब जी भी ललचा जाती है? ये सब्जियों का चुनना है या फिर मतलब आप ही का प्यार? और इसमें क्या होता है, एक तो जब भी खाना बनाओ पाठ करते करते भगवान जी का नाम लेते खाना बनाना चाहिए, अंदर से खुश होकर खाना बनाओ तो बहुत टेस्टी बनता है। ना तो हम लोग इसमें मसाले डालती हूँ मैं, और कुछ सिंपल खाना होता है
और खुशबू तो उसकी भगवान ही देता है कैसा नहीं है। और जैसे हम लोग शाही पनीर बना रहे हैं मार्केट का, हम थोड़ा सा भी खा लेंगे पेट फुल हो जाता है। और जो घर का बना हुआ शाही पनीर मार्केट से भी अच्छा, होटलों से भी एक प्लेट की बजाय दो प्लेटें हम खा लेते हैं। सरोज जी, आप इतने सालों से ही स्वादिष्ट व्यंजन प्रशिक्षण केंद्र चला रही हैं, तो मतलब आजकल आपने बदलते ट्रेंड में क्या देखा कि आजकल बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं और उस जमाने में क्या सीखते थे, क्या फर्क आया? उस जमाने में जैसे दाल फुलका तंदूरी रोटी मिस्सी रोटी ये चलता था, और हांडी की दाल मीनिंग पंजाब में तो जो उसको हरा बोला जाता मिट्टी का, उसमें सुबह रख देते थे और शाम तक तैयार हो जाते थे, उसका टेस्ट अलग ही था। आजकल कुकर चल पड़े हैं, कुकर में फास्ट मतलब बनाना पड़ता है हमें, ते और अच्छा अच्छा जो खाना था। अब बच्चे जो आजकल के पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, अलग अलग तरह के फास्ट फूड खा लिए, ये सारी बीमारियों का ही घर है, और क्या कहें अब। सरोज जी, आपको मतलब आजकल के बच्चों के लिए कोई मैसेज? मैं तो यही कहूंगी बच्चों को, लड़कों को भी सीखना चाहिए, लड़के सीख भी रहे हैं हमारे से, देख काम लड़की है, पर लड़कियों से बढ़कर लड़के आगे आ रहे हैं, इसका मैं बहुत खुश हूँ जो लड़के काम सीख रहे हैं। क्यों, आजकल जब परिवार बनता है तो घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ताकि किसी की हम बेटी भी ना जरूरत पड़े, अपने घर वाला भी खाना, अपने हस्बैंड भी खाना बना के दे सकते। अच्छा सरोज जी, अपने किसी स्टूडेंट की आप जर्नी शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? जो मेरे स्टूडेंट है, काफी बच्चे बाहरों से सेट करते हैं, फोन आती रहते हैं उनके, भी मैडम आप कैसे करें कैसे ना करें, जब कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो बोलते हैं वो, मैडम आज इसकी रेसिपी बताना, हम इंटरव्यू पे जा रहे हैं, मतलब बहुत खुश है बच्चे हमारे। सरोज जी, मतलब आजकल जो हम देख रहे हैं ट्रेंड, फास्ट फूड के अलावा भी लोग हेल्दी खाना पसंद कर रहे हैं, तो आपकी क्या सजेशन है आजकल की किस तरह के पकवान हमें खाने चाहिए? मैं तो यही सलाह दूंगी विदाउट फैट, और जिसमें जीरो बिल ऑयल बिल्कुल डलता ही नहीं है, वो भी सब्जी इतनी अच्छी बनती है, बहुत बढ़िया। तो और जैसे सैलड वगैरह हो गए, कुछ और प्रोटीन वाली चीजें हैं, कुछ विटामिन होते हैं, तो सब्जी में हर चीज का अपना अपना वो है। सरोज जी, आजकल कोई खाने में ऐसी चीज जो हमें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए और जिसको हमें बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, कोई मार्केट में ऐसी चीज? बस ये जैसे सॉसेज आ गई है, मैदा के जो पिज्जा बना हुआ है, मैदे वाली चीज तो बिल्कुल ही अवॉइड कर देनी चाहिए, वो भी सबसे ज्यादा अच्छा नहीं होता। ये सरोज जी, आपका प्रशिक्षण केंद्र एस्टेब्लिश कब हुआ था? ये 91 से मेरा सेंटर स्टार्ट हुआ है, और मेरे बच्चे हैं जो, वो भी इस काम में आगे आ गए हैं, जैसे मेरी बेटी वंदना है, वो भी अब क्लासेज लेती है हमारी, तो अच्छा काम करा रही है वंदना। तो अब आगे नई पीढ़ियों को आपने कर दी ट्रेन पूरा? हाँ बिल्कुल, मेरे बेटे को भी और सबको ये काम सिखा दिया, बहुत अच्छे मतलब कुकिंग करते हैं वो। तो सरोज जी, आपकी फैमिली में ही है कुकिंग का शौक क्या? हमारी फैमिली में बहुत शौक था, मुझे शौक था, तो बच्चों में अपने आप ही आ गया शौक। सरोज जी, अब किसी आपका स्टूडेंट का फोन आता हो, आपके किसी पुराने स्टूडेंट ने आपको कभी कुछ बताया हो अपने इस बारे में? वो कहते हैं मैडम जो हमने आपसे काम सीखा, बहुत अच्छा काम सीखा, आज हम कहाँ पे कहाँ पहुँच गए, कोई होटलों में काम कर रहे हैं बाहर जाके, कोई अपना कोई स्टॉल लगा रहे हैं, बच्चे अच्छा कमा रहे हैं, मतलब कहने का अच्छा बहुत बढ़िया। आप सोशल सर्विस और एनजीओ में भी हाथ बटा रही हैं? जी बिल्कुल करा रही हूँ मैं, जैसे अब गाँव में है, गाँव में जाके लेडी का ग्रुप बनाना और इकट्ठे करना, कम से कम 30-35-40 लोग भी हो जाते हैं, उनको हम लोग जाके फ्री ट्रेनिंग देते हैं। कई बार गांव में क्या होता है, गैस का इंतजाम नहीं होता, फिर विदाउट मतलब गैस के बिना भी हम लोग काम कराते हैं, कुछ लड्डू हो गए, बर्फ़ी वगैरह हो गई, कुछ और सैलड वगैरह हो गए, इन चीज़ें सिखा के, और वहाँ फ्री सेवा होती है हमारी, और ऐसा काम कराया जाता है उनको जो कि अपना वो बिजनेस कर पाएँ, जैसे रूह अफजा वगैरह है वो खुद बनाती हैं, खुद सेल करेंगी। हम मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि जहाँ के बच्चे सीखे हुए आगे और काम बढ़ाएं, अपना बिजनेस चलाएं। ऐसा होता है भी जो भी हम लोग सामान बनाते हैं, देखो ना तो उसमें हम लोग मसाले डालते हैं, ना ज़्यादा घी वगैरह होता है, आजकल ट्रेंड ही ऐसा हो गया भी विदाउट फैट भी हमें चाहिए, जिसमें हम लोग बिल्कुल जीरो ऑयल डालते ही नहीं, जीरो ऑयल से बनता है, मतलब पानी में मसाले पकाते हैं, उसका टेस्ट ही बहुत अच्छा आता है। लेकिन आजकल के टाइम बच्चे पसंद भी करते हैं, कुछ छोटे बच्चे जैसे फ्राई चीज़ें खानी है, मोमोज वगैरह खानी है, फ्राइड चाहिए, जब मोमोज वगैरह स्टीम के साथ बन जाती है वो क्यों ना खाएं वो। और सरोज जी, सब्जियों का चुनाव कितना मैटर करता है, कि जब हम सब्जियां हम बाजार में लेने जाते हैं तो अगर हम वो ढंग से ना चुने तो वो खाने को कितना इफेक्ट कर सकती है? ऐसा है जब भी हम सब्जियां बाजार से लेके आते हैं या अच्छा मतलब सोचते हैं भी ये चीज़ लो, लेकिन उसको घर आकर आजकल स्प्रे की हुई जाती है, सब पे बीमारियाँ लगती हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए जो सब्जियाँ लेके आते, जैसे साग ही है, पालक है, उनको काट के नमक लगा के थोड़ी देर रखें, फिर उसको गर्म पानी के अंदर डाल दें, फिर उसको अच्छा धो के फिर यूज करनी।
सरोज जी, आजकल की महिला को आपका एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं यही कहूँगी सब बच्चे काम सीखें, आगे बढ़ें, और जैसे मैं काम कर रही हूँ बच्चे और भी सीखें, आगे मेरी तरह काम कराएं। और अगर हर साल 5 बच्चे भी हमारे, 10 बच्चे भी आगे निकल जाते हैं, इसे बढ़कर खुशी क्या होएगी। अपना बिजनेस स्टार्ट करें, अपना पैसा कमाएं। आजकल टाइम ही ऐसा आ गया, दोनों मियाँ बीबी को, बच्चों को भी कमाना चाहिए सबको, तभी गुजारे होते हैं घर के, अदरवाइज नहीं। सरोज जी, आजकल की कुकिंग में और उस ज़माने की कुकिंग में कुछ फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फर्क है। उस टाइम सिंपल खाना बनाते थे, आजकल चाइनीज वगैरह, इटालियन वगैरह, मतलब बेकरी का सामान जो भी है, कहाँ होते थे आगे। पहले आटे वाले बिस्कुट ही तो बनते थे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेड। आजकल तो नए से नए ट्रेंड आ गए हैं केक कई तरह के बनाने, जो भी हमारी हेल्थ के लिए भी नुकसान ही करते हैं केक वगैरह भी। सरोज जी, ऐसा कोई फास्ट फूड तो होगा या ऐसा कोई केक और कोई आइटम तो होगी जो आपको आजकल पसंद है? मुझे बस विदाउट एग केक, और जिसमें कुछ केमिकल नहीं डाले जाते, वो बनाते हैं हम लोग, अच्छे लगते हैं सबको। सरोज जी, आप अपना इस फास्ट फूड के कल्चर में कुछ हेल्दी ट्विस्ट ला के बच्चों को सिखा रही हैं प्रशिक्षण केंद्र में? हाँ, मैं सिखा रही हूँ मैं बच्चों को। और पिज़्ज़ा बेस बनाना, ब्रेड बनानी, बंद बनाने, रस बनाने, और ये सब चीज़ें आती हैं सिखाती हूँ बच्चों। आइसक्रीम वगैरह बनानी सिखाती हैं, हमारी एक आइसक्रीम है पान की आइसक्रीम है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है लोगों को, उसके ऑर्डर भी हमें बहुत आते हैं। बादाम के शरबत के ऑर्डर आते हैं, अचारों के ऑर्डर आते हैं, वो हमारा साथ ही ज़्यादा सेल का भी काम है, सेल भी करते हैं हम लोग। सरोज जी, तो स्टार्टअप के बाद एक और स्टार्टअप, आप तो सही में वुमेन एम्पावरमेंट की मिसाल निकली। हाँ, मतलब जो अचार है ना, अगर कोई खा भी लाए ना जहाँ का, वो कहेंगे अगर 1 किलो अचार गया ना, वो 30 किलो जाएगा ही जाएगा जहाँ से, इतना लोगों को पसंद आता है। देखो, एक तो प्योर हो गया ना, हम लोग उनको प्रिजर्व करते हैं, होम मेड अचार है, बहुत कुछ बनाते हैं हम लोग, अब मैं क्या क्या बताऊँ। सरोज जी, आप इतने सारे स्टार्टअप और इतने सारे आइडियाज़, आपको इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग कैसे मिली? इसका कोई नेचुरल टैलेंट है? आप अपना कुछ सीक्रेट शेयर करिए हमारे दर्शकों के साथ। मेरा ऐसा है, मेरा दिमाग ही कंप्यूटर बना हुआ है, और पहले तो मैं सोचती थी भी ये कहने, अब कोई एक चीज़ बनाती हूँ ना, दिमाग में बार बार कोई ना कोई नवी रेसिपी आ जाती है जिसके बारे में अब सोच भी नहीं सकती। अगर एक चीज़ बनाने के साथ साथ मेरे को 10 चीज़ों की, वो अपना कंप्यूटर का दिमाग घूमता है, बनाते हैं बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। आज तक कोई चीज़ ऐसी ही नहीं है जो ना अच्छी बनी हो। बच्चे तारीफ करते हैं, पेरेंट्स तारीफ करते हैं, कहते हैं हमारे बच्चों को तो आपने किचन किंग की महारानी बना दिया। सरोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो चितकारा टॉक्स में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय निकालने के लिए।